नेताजी कल पंचतत्व में विलीन हो गए। आज उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया से बात करते रहे। मीडिया से बात करने के दौरान उनसे जब पूछा गया क्या वो नेताजी के रोल में आएंगे, यानी क्या वो सपा संरक्षक की भूमिका में आएंगे, तो शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये सब मैं क्या करता था, मेरी राजनीति पहल किधर होगी, मैं सब नेताजी से पूछ के करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये मैं फैसला किससे पूछ के लूँ। दरअसल आपको बता दें कि नेताजी सपा संरक्षक की भूमिका में थे और जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो जसवंत नगर से विधायक हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। ऐसे में नेताजी अब नहीं हैं और उनके जाने के बाद मैनपुरी सीट भी खाली हो गई है। देखिए, हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए। आप लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी में तो आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे, और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे उत्तर, हमारा दल भी है अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारा दल भी है, तो सबके बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है, नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो अब पिछड़े दलित वंचित लोगों की आवाज उठा के नेताजी राष्ट्रीय स्तर के नेता बने, शिवपाल सिंह यादव ऐसा कह रहे हैं। सपा संरक्षक की भूमिका पे उन्होंने कहा कि ये सब तो नेताजी तय करते थे, अब आगे सपा की भूमिका में शिवपाल दिखेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा। देखिए, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों की, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो ये तो सब लोग जानते हैं। सर, एक बड़ा मसला है कि अब फैमिली का जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, बचनी चाहिए? थोड़ा सा जाना, देखे शक्ल तो देख लेंगे, कौन बोल रहा है, है? कौन सा है? नीचे, नीचे बोल। सर, हाँ सर, सर हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? अरे भाई बोलो, क्या कर रहे हो आप? कौन बोल रहा था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था ना। सब किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि नेताजी का जो, उनके जाने का जो एक वो है वो फील नहीं हो सकता किसी तरह से, वो क्योंकि नेताजी की एक ये थी कि तमाम लोग एक साथ रहे, साथ हो, तो इसको लेकर भी क्या कोई कोशिश अभी होगी सर? देखिए, आज तो जो वक्त नहीं है, तो देखिए, हमेशा हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है, कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। लेकिन एक बात तो साफ है, मैनपुरी में भी जल्द ही उपचुनाव होंगे, वहां से कौन प्रत्याशी होगा, क्या सपा परिवार से आपको धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी दिखेंगे, क्योंकि आजमगढ़ उपचुनाव तो हार चुके हैं। आजमगढ़, अखिलेश ने सीट छोड़ी थी और आजमगढ़ पे उपचुनाव हुआ और वहां से बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ वो सीट जीते। एक बार फिर नेताजी के ना रहने पे मैनपुरी में उपचुनाव होना है। स्थिति में समय नहीं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो सब बातें
जब ऐसा मौका होगा, जब होगा, अभी तो सब कार्यक्रम नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। उत्तर प्रदेश खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।